हम लोगों में से किसी को नहीं पता ना इस शानदार पे तुम्हारे तरफ से लोगों का तोहफा यही है कि तुम कैसे अपने हस्बैंड से मिली, हमें कुछ किसी को नहीं मैंने पता। हर शो पे बता दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं बहुत बता दिया, हमारी ऑडियंस को नहीं पता। आपकी ऑडियंस को पता है, मेरा कल एक इंटरव्यू आया, मैंने बता दिया। हमारी ऑडियंस अलग होती है। मैं कैसे अपने हस्बैंड को मिली, हमें इंट्रोड्यूस कराया गया एक डायरेक्टर ने, एक बैरूनी मुल्क के डायरेक्टर ने हमें, बेसिकली वो इधर आए हुए थे और मैं उनके बारे में सुन रही थी कि देयर सम गुड लुकिंग गाय हियर जिसके पीछे सब लड़कियां पड़ी हुई हैं। और वो इधर क्यों आए हुए थे? वो इधर गोल्फ खेलने आए थे, वो आधे पाकिस्तानी हैं। जी जी। एंड मुझे नहीं पता था कि ये वो है। अब उन दिनों मैं किसी लड़के के बारे में ये बात सुन रही हूँ और एक दो दिन गुजर गए कि कौन कोई आया हुआ है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरी दोस्त मुझे गॉसिप दे रही थी कि हमारी जानने वाली है और एक कोई लड़का है और उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको किसी से बात नहीं करने दे रही। सो वी वर लाफिंग, मैं नाम नहीं लूंगी। एंड देन उन्हीं दिनों में, लाइक उसके फौरन एक दो दिन बाद मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ऑन द फोन, यू नो, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। ओके। एंड उसके तीन चार दिन बाद वी मेट। हां। एंड दैट वाज इट। अच्छा बस। एंड देन व्हेन वी मेट, उससे एक दिन पहले, अब मैं इस लड़के के बारे में सुन रही हूँ जो मेरी सब फ्रेंड्स को मिल रहा है, मेरे दोस्तों की पार्टीज पे जा रहा है और मुझे नहीं पता कि वो ही है जिससे मैंने बात की है। अच्छा। एंड देन एक दिन मिलने से पहले मैं अपने दोस्त को तस्वीर दिखाई कि व्हाट यू थिंक, आई एम, यू नो, पीपल आर, दे वांट अस टू बी इंट्रोड्यूस्ड, बात सीरियस बात। एंड ही इज लाइक, ओ ये तो कल हमारे साथ था। हां। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, और यूसी डिनर पे था जहां मुझे जाना था, और यूसी पार्टी पे था जहां मुझे जाना था, और मैं नहीं गई। अच्छा। मैंने अक्सर देखा तुम तारिक मीन साहब के पास जाती थी अपने हेयर वगैरह सब के लिए, सो उनकी रिश्तेदारी होती है। वो तारिक मीन उनके चाचा है। मुझे कल रात को मेरी एक और फ्रेंड ने तस्वीर भेजी 2018 की, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ लाहौर ग्रुप के साथ भी किसी डिनर पे थे जहाँ मैं जाते जाते रहेगी, तो हम उस वक्त भी मिल सकते थे। ये वो तो ऊपर की तरफ से, ऊपर से तुम लोग मिले और मिलते मिलते रह गए और फिर ऑफिशियली कहीं किसी ने मिलवा दिया। वो क्या शुरुआत उष्णा की तरफ से हुई या उनकी तरफ से? उनकी तरफ से। बताओ सबको। हमजा। हमजा 100%। मैं देख रही हूँ ना उष्णा के मुंह से कैसा है। सो हमजा ने मिलने के अब मैं दुला भाई कहूंगी तो उनको तो समझ नहीं आएगा। उर्दू आती है वैसे हमजा को? हाँ, बहुत मजे की उर्दू। हाँ, गुलाबी वाली। गुलाबी वाली, या बट वजह के, और क्योंकि वो गोल्फ कोर्स पे होते हैं तो पाकिस्तान में जो गोल्फ कोर्सेज होते हैं वो वहाँ पे कैडीज बहुत पंजाबी बहुत बोलते हैं, तो उनकी अंग्रेजी एक्सेंट में पंजाबी स्टाइल उर्दू है। अच्छा। ओहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत मजे की ये बनती है सुनने वाला। आपकी, आप आई थी शादी पे लेकिन बातचीत नहीं हो सकी बिकॉज़ इट्स सो क्रेजी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हां हां, बिल्कुल बिल्कुल। सो कितने अरसे बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है? उन यार मिलने के सवाल, हां ना, उन्होंने आई थिंक अपनी अम्मा को या अपने दोस्त को जिस दिन मुझे देखा उसी दिन जाके कह दिया कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल। मुझे लड़की मिली। अपनी अम्मा को शायद कहा था, और समथिंग कोई स्टोरी है इसके उनकी पीछे। अम्मा ऑस्ट्रिया से और अबू पाकिस्तान। यस, लाइक अम्मा को कहा था और किसी को कहा था। हाँ। बट ही वेंट, या भाई को कहा था, बट ही वेंट एंड टोल्ड समवन दिस इज, आई डोंट नो किसको कहा था, बट यस। एंड देन मुझे उसके बात जल्दी ही शुरू हो गई थी कि वी सी दिस गोइंग समवेयर सीरियस, और उसके एक दो माह बाद, कुछ माह बाद, जल्दी जल्दी के जो है रहा, या विदिन अ फ्यू मंथ्स, तो मैं भी लगा कि हमजा इस शादी मटेरियल 100%, क्योंकि माशाल्लाह तुम इंडिपेंडेंट हो और काम करती हो, खुद कमाती हो, तो जाहिर है घूमती फिरती हो, ट्रैवल करती हो, तो ज्यादा जानती हो कि शादी मटेरियल क्या होना चाहिए। यस यस, टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, ऑल ऑफ देम।